Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club. And today I brought for class 12th from Visitor's Book chapter 4, The Enemy. So let's start. Class 12th, this chapter, The Enemy. P.S. बक ने लिखा है, मीन्स पर्ल्स पर्ल सिडनी स्ट्राइकर बक. इनका जन्म 1892 एंड डेथ 1973 में हुई. ये एक अमेरिकन राइटर और नॉवलिस्ट हैं. शी हैड हिज चाइनीज नेम साई ज़ेंजू एज शी स्पेंट हर चाइल्डहुड इन चाइना. चाइना में स्पेंड होने टाइम स्पेंड करने के कारण चाइल्डहुड, तभी इनका नाम साई ज़ेंजू रखा गया. ये एक मिशनरीज की डॉटर थी. शी वॉज अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज इन 1932 एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1938. नाउ वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इट इज़ अबाउट अ जापानीज सर्जन हुज नेम इज सदाओ. ये स्टोरी वर्ल्ड वार के टाइम की है, वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम की है, जिसमें एक जापानीज डॉक्टर होता है सदाओ सर्जन. वो एक एनिमी की जान बचाता है जिसने अपनी स्टडी अमेरिका में कंप्लीट की थी. और वहीं की लड़की से, अमेरिकन लड़की जो कि जापानीज कल्चर की थी, उससे मैरिज भी की. So he studied in America and marries a Japanese girl. World War II broke during that time. और उसी time World War II हुआ था. All the doctors were under the obligation to go to the Japanese army. सभी इस मतलब rules में थे, obligations थे, नियम था कि सभी doctors को Japanese army में जाना है. However, Sadao stayed back with an old general. लेकिन सदाओ को जाने की अनुमति नहीं दी एक पुराने जनरल ने. एज द ओल्ड जनरल वॉज एलिंग, जैसा कि ओल्ड जो जनरल था वो बीमार था, इसलिए उसको वहाँ अपने साथ ठहरने को कहा. ही वॉज इन नीड ऑफ सदाओ, उसको सदाओ की ज़रूरत थी, इसलिए सदाओ को वार पे नहीं भेजा गया जापानीज आर्मी के साथ. हाउएवर वी लर्न दैट हाउ इन अमेरिका नेवी मैन finds his way in Sadao's life. कैसे एक अमेरिकन नेवी मर्चेंट वहाँ सदाओ की लाइफ में आता है, एंट्री करता है, इसके बारे में बताया गया है. As the soldier was not well, जैसे कि सोल्जर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो जख्मी था. सदाओ offers him medical help. सदाओ ने उसकी medical help की. सदाओ was not willing to help the enemy, but he does. सदाओ जानता था कि वो एनिमी है उसका और उस एनिमी की हेल्प नहीं करेगा, लेकिन उसने उसकी वो इच्छा नहीं थी कि किसी एनिमी की वो हेल्प करे, फिर भी उसने किया. ही ऑल्सो नोज द डेंजर ही हैज़ गॉट हिमसेल्फ इन टू बाई हेल्पिंग द एनिमी. वो ये भी जानता था कि किसी एनिमी की हेल्प करने से उसको क्या सज़ा मिल सकती है, वो किस खतरे में खुद को डाल रहा है, ये भी वो अच्छे से जानता था. Due to this, Sadao conspires to kill the soldier in his sleep. और इसी कारण सदाओ ये इच्छा करता है, कॉन्स्पायर करता है कि सोचता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है कि उस सोल्जर को नींद, मौत की नींद सुला दी जाए, या जब वो सो रहा तो उसे मार दिया जाए. However, Sadao decides to save him. लेकिन फिर भी वो सदाओ को बचा लेता है because of humanity and brotherhood. एक इंसानियत के ना और भाईचारे के नाते वो उसको बचा लेता है. तो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन. नाउ वी विल सी समरी. द एनमी इज अ स्टोरी रिटन बाई पर्ल्स एस बक. इट इज़ अबाउट अ जापानीज सर्जन सदाओ. ये एक स्टोरी है जो सदाओ के बारे में, जो कि सर्जन है जापानीज, उसके बारे में दी गई है. उसी के अराउंड ये स्टोरी घूमती है. ही वेंट टू स्टडी इन अमेरिका एंड मीट्स अ जापानीज गर्ल हाना. वो सदाओ अमेरिका पढ़ने जाता है और वहीं पर एक लड़की हाना होती जो कि जापानीज होती है, उसी से उसको प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेता है. ही मैरीज हर एंड ब्रिंग्स हर बैक टू जापान टू सेटल डाउन. और वापस जापान ले आता है वहाँ पर अपनी ज़िंदगी पूरी बिताने के लिए.
दिस वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, और ये वर्ल्ड वार सेकेंड का वक्त था। दिस ऑल द डॉक्टर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सर्व द जापानीज आर्मी, सभी डॉक्टर्स को जापानीज आर्मी में सेवा करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए बुलाया जाता। हाउ एवर दे अलाउड सदाओ टू स्टे बैक, यद्यपि वो सदाओ को वहीं रुकने को कह देते हैं। इट वॉज बिकॉज ही वॉज टेंडिंग टू द ओल्ड जनरल, क्योंकि वो एक ओल्ड जनरल को ट्रीट कर रहा था, हु वॉज ऑन हिज डेथ बेड, जो काफ़ी बीमार था। हाउ एवर वन नाइट एन इंसिडेंट चेंजेस हिज लाइफ, एक रात के इंसिडेंट ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। ही एनकाउंटर्स एन अमेरिकन नेवी मैन, तभी उसका सामना एक अमेरिकन नेवी मैन से होता है, हु इज इंजर्ड, जो काफ़ी घायल है, बाई अ गन शॉट एंड डाइंग, किसी गोली से वो घायल हो चुका है और मर रहा है। ऑल्दो सदाओ वॉज इन नो माइंड टू हेल्प द एनमी, जब यद्यपि सदाओ का कोई मूड नहीं था कि वो किसी एनमी की हेल्प करे, बिकॉज ही वॉज अ अमेरिकन सोल्जर, He takes in the young soldier and provides him with medical assistance. फिर भी वो अपने घर ले जाता है और उसकी medical assistance करता है, उसके medically help treat करता है। He keeps him at his house to avert any danger coming his way. वो सब कुछ अपने खतरे को जानने के बावजूद भी उसे अपने घर पर पनाह देता है, शरण देता है और उसकी उसको dressing करता है, उसकी देखभाल करता है। However, he knew he has opened door to danger, जबकि वो जानता था कि उसने खतरे का मोल ले लिया है by helping the enemy, किसी enemy की मदद करके। अब सारी Japanese army उसको अपने अगेंस्ट समझेगी कि वो देशद्रोही है। His servant decided to leave Sadao too, और जबकि उसके सारे servants ने उसको दूर रहने का, उसको छोड़ने का निर्णय ले लिया, काम छोड़ने का। As the days kept passing, जैसे दिन गुजरते गए, the soldier was now beginning to gain his health back, अब soldier recover कर रहा था। And now that the soldier was no longer Sadao's patient, अब वो soldier सदाओ का patient नहीं रह गया था। He decides to kill him off in his sleep, ये उसने general के साथ एक conspiracy की सदाओ ने, कि इसको सोते वक्त मार दिया जाएगा और वो अपना general उसको अपने कुछ किलर्स को भेजेगा मारने के लिए। ही इन्फॉर्म्स द जनरल ऑफ अमेरिकन एंड दस द जनरल रेसिप्रोकेट्स, और इस तरह उसने जनरल को सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिकन के बारे में दी और जनरल ने उसको वादा किया कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे डिसाइडेड टू सेंड प्राइवेट असिस्टेंस टू किल एन अमेरिकन सोल्जर्स, उसने हथियारों को मारने के लिए कहा कि वो उसे भेजेगा। While waiting for assistance, Sadao starts noticing it was delaying. जब वो वेट कर रहा होता है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लेकिन फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो जाता है। However, during this course, humanity in Sadao arises, और सदाओ के दिल में इंसानियत जाग जाती है उस सोल्जर के प्रति। He realizes that he is a human being at the end of the day, अंततः वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसे इस तरह से किसी को नहीं मारना चाहिए। ही नाउ रिकग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल एज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तब उसको अपने देश का नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का याद आता है और एक भाईचारे की भावना जाग उठती है। फिर वो सोचता है कि इसकी जान बचा ली जाए। दस दिस ओपन्स हिज माइंड, और इस तरह उसका दिमाग खुल जाता है और उससे एक ही विच वॉज लिमिटेड टू रेज बाउंड्रीज एंड वार्स, जिस जो कि अभी तक एक सीमा में बंधा हुआ था, वार की सीमा में, जाति की सीमा में, कम्युनिटी की सीमा में, धर्म की सीमा में, अब वो उससे बड़ा सोच रहा था, एक इंसानियत के लिए सोच रहा था। फाइनली ही कम्स टू द कंक्लूजन, अंततः वो यह निर्णय निष्कर्ष पर पहुँचता है दैट द अमेरिकन सोल्जर इज़ नॉट हिज एनमी, कि वो सोल्जर उसका एनमी नहीं है, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, इसलिए केवल क्योंकि वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है। दस ही राइजेज अबव हिज प्रेजुडिसेस, उसने सारी अपनी प्रेजुडिस को बाहर निकाला। एंड डज द राइट थिंग बाई हेल्पिंग द अमेरिकन सोल्जर स्केप, दस सेविंग हिज लाइफ, और इस प्रकार से वो अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करता है उसकी उसकी लाइफ बचाने में और अंततः उसकी जीवन सुरक्षित कर देता है। नाउ वी लर्न हाउ लव एंड कंपैशन कैन मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स, और इस तरह से हम इस चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह प्यार और दया हमें एक अच्छा ह्यूमन बींग बनाती है एज अपोज टू प्रेजुडिस, और हम इस तरह से पूर्वाग्रहों की जो प्रेजुडिस रूढ़िवादिता हैं उनका अपोज करके हम किस प्रकार
बिना बायस हुए लोगों की रक्षा कर सकते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं एंड हुम वी डू नॉट शेयर एनीथिंग, जिनके साथ हम कुछ शेयर नहीं करते हैं, बट द बॉन्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट लेकिन इंसानियत को, इंसानियत के नाते जो बॉन्ड बनता है हमारा उसको अहमियत देते हैं, ना कि प्रेजुडिस को. सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा. कीप वॉचिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.